माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, गुजरात के सभी जनता, इस मंच पर उपस्थित सभी महाजनों, भाइयों बहनों, आप सबका मेरा नमस्कार। मैं सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्म दिवस के इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और ये जो सद्भावना मिशन उन्होंने ये कार्यक्रम किया, इसके लिए भी बधाई देती हूँ। इस 3 दिन के सद्भावना मिशन में बहुत सारे लोग आकर अपना समर्थन दिया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे प्रमुख नेताओं, हमारे देश के बहुत सारे साधु संत लोग और कई वर्ग के और कई धर्म के लोग भी अपना अपना समर्थन दिया है। ये देखकर मुझे बहुत ही खुशी होती है। इससे ये भी जाहिर होता है कि नरेंद्र मोदी जी की कितनी पॉपुलैरिटी है और कितनी बढ़ती जा रही है। ये पॉपुलैरिटी इतनी आसानी से नहीं मिलती है, इसके लिए बहुत अच्छा काम करना पड़ता है। चाहे वो कला क्षेत्र हो या राजनीति, आप जहां पर भी बहुत अच्छा काम करेंगे तभी आपको पॉपुलैरिटी मिल सकती है। हम देख सकते हैं पिछले 10 साल में नरेंद्र जी गुजरात का पूरा हुलिया ही बदल दिया। ये पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में एक चर्चा का विषय बन चुका है। यहां तक कि अमेरिका ने भी इनको बहुत बहुत बधाई दी है। और हमारे देश में सब जनता यही चाहती है कि अपना अपना प्रदेश गुजरात जैसा हो जाए और उनको भी नरेंद्र मोदी जी जैसा एक मुख्यमंत्री मिल जाए जो पूरे प्रांत को विकास की ओर ले जाए। अगर ऐसा हो जाए तो पूरे हमारे भारत देश में कितना विकास हो सकता है और बहुत जल्द ही हमारा पूरा भारत देश भारत नंबर 1 कहलाया जाएगा। और ऐसा होने में बहुत देर नहीं है। विकास जो है ये अकेले का काम नहीं है, सब जनता सब लोगों का साथ होना बहुत जरूरी है, जो नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही अच्छी तरह से किया है। इन्होंने सब वर्ग के लोग, सब धर्म के लोग, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको साथ में लेकर इन्होंने विकास किया है। ये बहुत ही प्रशंसनीय काम है। और मैं इस काम के लिए मैं भगवान से बहुत बहुत प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे विकास और भी करें और हमारे पूरे देश में भी ऐसे विकास हो। और विनती उन लोगों से करती हूँ कि जो मन में क्लेश लेकर इस प्रोग्रेस को, इस विकास को रुकावट लाने की कोशिश करते हैं, वो ऐसे बाधा न डालें। मेरे साथ धर्मेंद्र जी ने भी नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्म दिवस पर बधाई भेजी है और ये सद्भावना मिशन के लिए भी वो बहुत ही खुश हुए और अपना खुशी व्यक्त किया। आइए हम सब मिलकर नरेंद्र मोदी जी का साथ दें इनके विकास के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, गुजरात के सभी जनता, इस मंच पर उपस्थित सभी महाजनों, भाइयों बहनों, आप सबका मेरा नमस्कार। मैं सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्म दिवस के इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और ये जो सद्भावना मिशन उन्होंने ये कार्यक्रम किया, इसके लिए भी बधाई देती हूँ। इस 3 दिन के सद्भावना मिशन में बहुत सारे लोग आकर अपना समर्थन दिया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे प्रमुख नेताओं, हमारे देश के बहुत सारे साधु संत लोग और कई वर्ग के और कई धर्म के लोग भी अपना अपना समर्थन दिया है।
ये देखकर मुझे बहुत ही खुशी होती है। इससे ये भी जाहिर होता है कि नरेंद्र मोदी जी की कितनी पॉपुलैरिटी है और कितनी बढ़ती जा रही है। ये पॉपुलैरिटी इतनी आसानी से नहीं मिलती है, इसके लिए बहुत अच्छा काम करना पड़ता है, चाहे वो कला क्षेत्र हो या राजनीति। आप जहां पर भी बहुत अच्छा काम करेंगे तभी आपको पॉपुलैरिटी मिल सकती है। हम देख सकते हैं पिछले 10 साल में नरेंद्र जी गुजरात का पूरा हुलिया ही बदल दिया। ये पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में एक चर्चा का विषय बन चुका है। यहां तक कि अमेरिका ने भी इनको बहुत बहुत बधाई दी है। और हमारे देश में सब जनता यही चाहती है कि अपना अपना प्रदेश गुजरात जैसा हो जाए और उनको भी नरेंद्र मोदी जी जैसा एक मुख्यमंत्री मिल जाए जो पूरे प्रांत को विकास की ओर ले जाए। अगर ऐसा हो जाए तो पूरे हमारे भारत देश में कितना विकास हो सकता है और बहुत जल्द ही हमारा पूरा भारत देश भारत नंबर 1 कहलाया जाएगा। और ऐसा होने में बहुत देर नहीं है। विकास जो है ये अकेले का काम नहीं है, सब जनता सब लोगों का साथ होना बहुत जरूरी है, जो नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही अच्छी तरह से किया है। इन्होंने सब वर्ग के लोग, सब धर्म के लोग, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको साथ में लेकर इन्होंने विकास किया है। ये बहुत ही प्रशंसनीय काम है और मैं इस काम के लिए मैं भगवान से बहुत बहुत प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे विकास और भी करें और हमारे पूरे देश में भी ऐसे विकास हो। और विनती उन लोगों से करती हूँ कि जो मन में क्लेश लेकर इस प्रोग्रेस को, इस विकास को रुकावट लाने की कोशिश करते हैं, वो ऐसे बाधा न डालें। मेरे साथ धर्मेंद्र जी ने भी नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्म दिवस पर बधाई भेजी है और ये सद्भावना मिशन के लिए भी वो बहुत ही खुश हुए और अपना खुशी व्यक्त किया। आइए हम सब मिलकर नरेंद्र मोदी जी का साथ दें इनके विकास के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।